बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो केटीएफ में आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको फुल बॉडी वाइटनिंग करने के लिए बहुत अच्छी मास्क बताऊंगी, बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी, जो कि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप इसके रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा हैरानकुन है और आपको किचन के सिंपल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है सिर्फ, और आपको स्किन वाइटनिंग फेस पैक जो है वो क्विकली मिल जाएगा, जल्दी से मिल जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो फ्रेंड मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को मछली प्रेस करें ताकि मेरी खाने वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा और मेरे केटी हेल्थ पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तमाम जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर प्रोडक्ट भी मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। चलिए अपनी आज की अमेजिंग रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्राम फ्लोर। आपने तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर इसमें ग्राम फ्लोर लेना है। इनके बेसन जिसको आप घर किचन में यूज़ करते हैं पकौड़े वगैरह बनाने के लिए, वो आपने लेना है। बेसन बहुत अच्छा वाइटनिंग एजेंट है और इसमें ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके स्किन को क्विकली वाइट और नीट एंड क्लीन करने के लिए पाई जाती हैं। तो इसमें हम तकरीबन 2 टीस्पून ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो ज़्यादा भी लें। इसके बाद आपने इसमें डालना है कच्चा दूध, इनके रॉ मिल्क। अगर आपके पास रॉ मिल्क इस टाइम अवेलेबल नहीं है तो आप बॉयल किया हुआ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने तकरीबन 3 से 4 स्पून जो है वो ऐड करना है और उसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें तकरीबन 1 पिंच के बराबर टर्मेरिक आपने हल्दी ऐड करनी है और इसको अगेन अच्छे से मिक्स करना है। और लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है, आपने 1 लेमन पूरा लेमन लेना है और इसमें स्क्वीज कर देना है। लेमन एक बहुत अच्छा वाइटनिंग एजेंट है और इसको आप अपने ड्रिंक में भी शामिल किए। अपनी रात को सोने से पहले आपने नीम गर्म पानी में 1 लेमन निचोड़ना है और उसको पी जाना है। इससे आपका जो जिस समय डाइजेस्ट होगा, आपका ब्लड क्लीन होगा, आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होगी, आपकी स्किन पर नेचुरली ग्लो आएगा। तो लेमन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का हमारा फेस पैक जो है वो बनकर रेडी हो गया है और बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपने इसको बनाकर रेडी करना है। और इसकी जो रिजल्ट्स हैं इतने ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। आपने इसको दिन में 1 दफ़ा यूज़ करना है, बॉडी के किसी भी पार्ट पर आपने इसको यूज़ करना है। और आपने इसको लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है, उसके बाद आपने 15 मिनट तक इसको लगा देना है। 15 मिनट के दौरान ये जो है वो ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेना है। आपने 1 वीक रेगुलरली करके टेस्ट करना है कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि 2 से 3 एप्लीकेशन के बाद ही आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किन पर जितनी भी मैल वगैरह है, जितनी भी डर्ट है, फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही रिमूव हो जाएगी। अगर आपको पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है वो भी इससे खत्म होगी और आपको नेचुरली ग्लो और वाइटनिंग मिलेगी। फुल बॉडी वाइटनिंग फेस पैक है, बनाएं और सबके साथ शेयर करें वीडियो ताकि आपको और आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। और क्योंकि हमारी जो स्किन है इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तब स्किन पर कुछ ना कुछ जो रेमेडी है वो अप्लाई करते रहा करें जो कि आपको सूटेबल हो, इससे आपकी स्किन जो है वो मेंटेन रहती है। अगर आप अपनी स्किन को खुला छोड़ देंगे तो स्किन पर बहुत बुरे असर पड़ेंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो अपनी स्किन पर कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहा करें ताकि आपकी स्किन जो है हमेशा ब्यूटीफुल और यंग रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना मत भूलिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।